हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास BS6 का बाइक आई हुई है और वो होंडा की बाइक है और उसमें काफ़ी ज़्यादा माइलेज का प्रॉब्लम आ गया और बाइक ज़्यादा नहीं चली है, मात्र 6,000 किलोमीटर चली है। और मैं आज उसमें माइलेज को बढ़ाऊँगा और किस तरह से ट्यूनिंग को करूँगा, तो मैं पूरा स्टेप बाई स्टेप आपको अच्छे तरीके से करके दिखाऊँगा कि हमारे बाइक में कितना माइलेज बढ़ता है। तो मैं पूरा आपको इस वीडियो को आप देखिएगा, पूरा एक्यूरेट मैं बताऊंगा कि हमारी बाइक जो BS6 बाइक है, तो बहुत सारे मिस्त्री भाई उसका ट्यूनिंग करने के लिए नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसका किस तरह से रेस को RPM यानी घटाया जाता है वो भी बताऊंगा, और कैसे बढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर भी स्क्रूप होता है बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए भी। बहुत सारे मिस्त्री भाई इस चीज़ को नहीं जानते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और मेरा भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम MD सलमान मिस्त्री है। अगर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा। और बाकी नीचे एक वीडियो मेरा और BS6 के बारे में लिंक है नीचे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, थैंक यू। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट कर लेना है बाइक को, ठीक है। ये बाइक हो गई स्टार्ट। अब स्टार्ट होने के बाद इसका ये काला वाला कवर हटा लेना है, ठीक है, क्योंकि ये ढका हुआ है। हमारा ट्यूनिंग जहाँ से हम करेंगे, ये कवर है, इस कवर को हम हटा लिए। और उसके बाद आप सामने देख रहे हैं स्क्रू, ये हमारा माइलेज घटाने बढ़ाने के लिए है, ठीक है। इसको जिस तरह से ओल्ड मॉडल में कार्बोरेटर का काम करते थे माइलेज बढ़ाने के लिए, ये वही है। और इसका नीचे जो है वो रेस घटाने के लिए भी है। मैं दोनों चीज़ आपको दिखा देता हूँ और ट्यूनिंग करके भी दिखाऊंगा। तो बहुत ही आसान है, जैसे हमारा BS4 था वैसा ही है। देखिए, यहाँ से क्या है, आपको माइलेज बढ़ाना है, ठीक है। धीरे धीरे अगर RPM को खोलते हैं, अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे RPM को टाइट करना है। जहाँ पर आपका RPM बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वहीं पर आपका माइलेज एक्यूरेट आ जाएगा। देखिए, मैं पहले इसका खोल रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या है, जहाँ पर आपका माइलेज बढ़ गया वहीं हम छोड़ देते हैं, तो समझिए आपका एक्यूरेट माइलेज आ जाएगा। और दूसरा देखिए, स्क्रूप ये आड़ वाला, ये वाला हो गया रेस के लिए, ठीक है, हाई स्पीड के लिए। और अब जो है हम इसका आड़ वाला जो है पेच को लूज करेंगे और एलंकी से कम करेंगे, ठीक है। ये वाला 8 का लगेगा इसमें चाबी, और यहाँ से लूज करके तब रेस को आपको कम करना है, यही है, ठीक है। ये रेस कम करने के लिए और वो है माइलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब तो समझ ही गए होंगे अच्छे तरीके से, वो बढ़ाने के लिए, ये रेस घटाने के लिए। तो BS6 में कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हम BS4 में माइलेज को करते थे ट्यूनिंग, उसी तरह BS6 में भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई तरह की दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए और मैं आपको इसके बारे में और अच्छे तरीके से फुल जानकारी दे दूंगा। थैंक यू।